वर्किंग विद इमिग्रेंट हम अब मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स देख रहे हैं जिन पर क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी ने स्टडी किया या नॉलेज ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी विल हेल्प इन दिस एरियाज टू अंडरस्टैंड डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन इंटरवेंशन वर्क देअर गेट एजुकेशन मिंगल एंड इंटरेक्ट विद अदर कल्चर्स वर फॉर बिज़नेस और फॉर एजुकेशन फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसे ऑफिस के साथ काम कर रहे हैं जिसमें आपका कोई जैपनीज बॉस है कोई कोरियन को लीग है कोई जर्मन है कोई इंडियन है हम सब को ये वास्ता पढ़ चुके हैं हम मल्टी कल्चरल टीम्स में काम करते हैं और वो सिर्फ इसी तरह मल्टी कल्चरल नहीं होती कि वो किसी दूसरे मुल्क से आए होते हैं वो हमारे ही मुल्क के किसी और एरिए से आए हों तो हमें उन्हें भी समझना पड़ता है हम पंजाब यूनिवर्सिटी में देख रहे थे कि बलोच स्टूडेंट हैं मसलन वो भी काम कर रहे हैं ग्रुप में और गांव का भी कर रहे हैं और शहर का भी कर रहे हैं तो उनको एक दूसरे के कल्चर की रोशनी में उनके काम करने के तरीके को समझना पड़ता है अब जैसे वो कहते हैं कि जी जी मैं कर देता हूँ मैं कर देता हूँ तो किसी ने उसको कहा कि तुम रिसर्च टीम में हो तो तुम ये क्यों कहते हो हर किसी ने अपने हिस्से का करना है तो उसने कहा हमें यही सिखाया जाता था कि अगर कोई कहे कि लो मेरे हिस्से का कर दो तो कर देना

फंक्शनल हैं कि नहीं चल भी रहे हैं कि नहीं इस नई जगह के ऊपर आके डर गए हैं चीज़ों का पता नहीं चल रहा या बड़ा अच्छा गुजारा कर रहे हैं तो उनकी वेल्बिंग एंड फंक्शनिंग मेंटल हेल्थ प्रो सोशल बिहेवियर लोगों के अंदर मिक्स होना आना जाना लेना देना मिलना मिलाना जो हर सोसाइटी और हर हम में होता है क्योंकि आप किसी और जगह चले गए हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं कि अब इंसानों में आपकी जो जिंदगी के तरीके थे वो ख़त्म हो जाएंगे सेल्फ़ एफिकेसी क्या वो ये इतमाद महसूस करते हैं कि वो एक कल्चर के अंदर नई चीज़ें सीख के अच्छे तरीके से मौसर तरीके से अपने मकासद हासिल कर सकते हैं चाहे वो तालीम हो चाहे वो जॉब हो या कोई और वजह एडजस्टमेंट के क्या वो वहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं तो साइकोलॉजिस्ट इन चीज़ों को देखते हैं अब ये काफ़ी हमारे पास स्टडी और एविडेंस आ गई है कि जो माइग्रेंट्स हैं सैलम सीकर्स हैं या रिफ्यूजीज़ हैं या मेंबर्स ऑफ खास एथनिक मनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके अंदर काफ़ी रिस्क होता है मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स का तो इसका मतलब है कि जो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट हैं जो सर्विसेज हैं उनको माइग्रेंट्स के साथ काम करते हुए कुछ चीज़ें खास तौर पे देखनी पड़ती हैं थेरेपी में तो अब इसके बारे में कोई इतना नॉलेज भी नहीं है कि ये जो लेस एडवांटेज है इनकी साइकोलॉजिकल हेल्प किस तरह हो मैंने इस पर कुछ रिसर्चेज ढूंढी हैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ ये टुमाल नारा एक आर्टिकल है वर्किंग विद इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज इन साइको डायनेमिक साइको और ये भी एक बुक है कंटेम्प्रेरी साइको डाइनेमिक साइकोलॉजी उसके अंदर उन्होंने अपना चैप्टर लिखा है वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने साइको डायनेमिक जो थेरेपी है प्रॉयडियन परस्पेक्टिव है या साइको डायनेमिक जो थेरेपी की अप्रोच है उसको बहुत अप्लाई किया है कि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है मसलन ट्रांसफरेंस का काउंटर ट्रांसफरेंस का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप थेरेपिस्ट को अपना बाप या टीचर या कोई और माँ समझने लगते हैं और वही सब कुछ उनके साथ रिश्ता बनाते हैं जो आपका माजी में अपने वालदे के साथ था इस तरीके से आप ठीक होना चाहते हैं उसमें कुछ खतरे भी हैं और उसमें कुछ हीलिंग भी है इसी तरह ट्रॉमा चाइल्डहुड का हो सकता है इमिग्रेंट्स में तो उसमें साइको डाइनमिक काम करता है इंटरासाइकिक और इंटरपर्सनल यानी आपकी जात के अंदर और दूसरे लोगों के साथ जो प्रोसेस चल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट है उन सब में साइकोडायनामिक थेरेपी को कल्चरल को देख के और फिर उसमें इंटरवीन करना है और उसके प्रोसेस को डिफाइन करना है कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो काफ़ी फ्लोडली डिवेलप हो रही होती है जब लोग किसी और मुल्क और कल्चर में जाते हैं उसको निगोशिएट करना होता है कि किन किन कॉन्सेप्ट्स में है और साइको थेरेपी के कॉन्सेप्ट इस कल्चरल आइडेंटिटी की डेवलपमेंट को किस तरह इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं क्योंकि जब ये थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई थी तो एक ख़ास यूरोप के मुल्क में एक खास बाकी भी यूरोप के मुल्क उसमें शामिल नहीं थे वो वियाना के कल्चर में एक खास क्लास थी वियाना की उसको फ्रॉयड ने ऑब्जर्व करके की थी उसके बाद बहुत से थेरेपिस्ट आए उन्होंने अच्छे आइडियाज़ दिए जिनमें से बहुत से आइडियाज अच्छे हैं अब कल्चरली क्या अनकॉन्शियस जो है वो सब कल्चर्स में एक ही तरह मैनिफेस्ट होता है तो साइकोडायनामिक डाइनमिक परस्पेक्टिव जिन फैक्टर्स के साथ काम करता है उसको उसमें उसको कल्चर को डालना पड़ा था नहीं क्योंकि ये दिस वॉज वेरी स्पेसिफिक सोसाइटी जिसको फ्रॉयड ने ऑब्जर्व किया था अब जैसे मॉर्निंग है गम है अपने जगह को छोड़ने का सेप्रेशन है अपनी फैमिली से उन लोगों से जहाँ पले बड़े थे जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं लॉस की फीलिंग है कंट्री का लॉस है सोसाइटी का लॉस है अपने घर को छोड़ के आए हैं ट्रॉमा है तो इसको साइको एनालिटिक परस्पेक्टिव में कल्चरली समझना होता है ये एक साइकोडायनामिक डायनेमिक इंटरकल्चरल थेरेपी विद माइग्रेंट्स फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप इसके ऊपर भी एक हुई है बड़ी अच्छी स्टडी अब ये जो है ये थीसीज है जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में टचियाना स्टीवन ने किया 2021 में और इनका ये जो पीएचडी का थीसिस है उसमें उन्होंने बताया है कि माइग्रेंट्स के साथ जो लोग दूसरे मुल्क में आते हैं उनके साथ काम करने के लिए क्या अप्रोचेस डेवलप की गई और मजीद क्या करने की ज़रूरत है सो दीज आर ऑल द रीडिंग्स एंड ऑल द वर्क जो ये जाहिर करते हैं कि इमिग्रेंट्स के साथ काम करने पे अब रिसर्च हो रही है काम हो रहा है और जब भी आप इस टॉपिक को उठाएँ और ये आपके लिए इसकी प्रैक्टिकल अपलिकेशन की ज़रूरत हो तो यू कैन गो टू दीज सोर्सेज दिस इज़ स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड हेयर क्योंकि हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के काम में थेरेपी के काम में ये काम हुआ है सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग वर्किंग विद इमिग्रेंट्स और यू आर ऑलरेडी वर्किंग विद दैम वेर एवर यू आर इन द वर्ल्ड तो आप उसको जो है कंसिडर कर सकते हैं बहुत साल पहले जब अफगानिस्तान से बहुत से रिफ्यूजी आए थे तो हमारे बहुत से जो इस्लामाबाद में खासतौर पर साइकोलॉजिस्ट थे साइकेट्रिस्ट थे उनको रिफ्यूजियों के अफगानी रिफ्यूजीज की मेंटल हेल्थ को एक नए सिरे से समझना पड़ा और जो बच्चे कैंप्स में ही बड़े हुए हैं उनमें से कुछ एडॉप्शन में गए उनको फैमिलीज ने अडॉप्ट किया और ऐसे कुछ बच्चों को मैं जानती हूँ तो वो बिल्कुल एलियन है एक तरह से कुछ बातें उनकी समझ ही नहीं आती बड़े होने के बाद उस फैमिली को जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया तो विच मीन्स के इमिग्रेंट्स के साथ काम करते हुए उनका बैकग्राउंड जो है उसको देखना बड़ा जरूरी होता है तो जो भी थेरेपिस्ट काम करते हैं अब इन्होंने ये जर्मनी की मिसाल दी हुई है कि क्लाइंट्स से आपकी कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना हो जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे डील करना है साइकोथेरेपी में उनको एजुकेट करना है उनको जो उनके आइडियाज़ हैं कि तो काउंटर मैजिक होता है या वो रियल नहीं होती हैं चीज़ें मेंटल हेल्थ के जो होते हैं तो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं तो इस सब के लिए जो है आपको अपने आप को अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना होगा और ये तजर्बे से बेहतर हो जाएगा